हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छाया क्लासेस। आज मैं मिडवल इंडिया के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जजिया टैक्स को डिस्कस करूंगी, जिससे आप सब परिचित होंगे। लेकिन मैं आज इस टॉपिक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डायग्राम के थ्रू एंड लर्निंग ट्रिक के साथ समझाऊंगी। इस वीडियो को जजिया टैक्स से रिलेटेड सभी फैक्ट एंड अभी तक आए जजिया टैक्स पर सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं जजिया टैक्स। सबसे पहले जानेंगे जजिया क्या है। व्हाट इज जजिया? यह एक धार्मिक कर नॉन मुस्लिम टैक्स था। इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुसलमानों को ही रहने की इजाज़त थी। यदि इस धर्म के इतर कोई रहेगा तो उसे जिम्मी माना जाएगा और जजिया देना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि जो जजिया कर है वो एक धार्मिक कर था, ठीक है। अब जो यहाँ पर रहेगा वो मुस्लिम धर्म को मानेगा, अगर वो किसी और धर्म को मानता है तो उसे जिम्मी कहा जाएगा और उसे जजिया देना पड़ेगा। जिम्मी इसके बाद इस्लामिक राज्य में रहकर अपने धर्म का पालन कर सकता है। अब यहाँ पे एक ट्रिक देखिए, आप बहुत ही ईजली इस एक छोटे कॉन्सेप्ट के थ्रू आप याद रख सकते हैं। इस्लामिक राज्य में जजिया कर गैर मुसलमानों पर आरोपित था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तुरुत दंड जजिया क्या है। जजिया जैसा ही कर भारत में किस शासक ने लगाया, वो भी मुसलमानों पर, ये एक पॉइंट की बात है कि आप जजिया से तो परिचित हैं लेकिन तुरुत दंड को जानते हैं जिसे भारत में मुस्लिमों पर लगाया गया। तो देखिए, जजिया जैसा कर गढ़वालों ने अपने राज्य में रहने वाले मुस्लिमों पर तुरुत दंड के रूप में लगाया था। इससे रिलेटेड यहाँ एक डायग्राम देखिए, ट्रिकी पॉइंट। गढ़वालों द्वारा तुरुत दंड मुसलमानों पर लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम कोई काम हुआ है तो वो किसने किया है। तो जजिया से रिलेटेड भी यही पॉइंट है, किस क्षेत्र में सर्वप्रथम जजिया लागू किया गया। तो इन दोनों का आंसर देखिए, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया लगाया। सर्वप्रथम मोहम्मद कासिम ने जजिया लगाया सिंध के देवल में, ठीक है। इससे रिलेटेड भी यहाँ पर एक डायग्राम है, उसको देखिए ताकि आप ईजली ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस शासक ने जजिया ब्राह्मणों पर भी लगाया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि जो जजिया कर है उससे ब्राह्मण मुक्त थे लेकिन ब्राह्मणों पर भी आरोपित कर दिया, वो कौन शासक था। तो देखिए, सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने जजिया को खराज से निकालकर, खराज मीन्स भू राजस्व से निकालकर पृथक कर बनाया और इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया जिससे अभी तक वे मुक्त थे। तो यहाँ इससे रिलेटेड भी एक डायग्राम है, उसको देखिए, फिरोज शाह तुगलक और सर्वप्रथम जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस शासक के काल में जजिया को नमक कर की संज्ञा दी गई। तो शेर शाह के काल में जजिया को नमक कर की संज्ञा दी गई। ये भी एक खास पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। शेर शाह जजिया को संज्ञा दी नमक कर की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतवर्ष का वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया। अभी तक आप देख रहे थे कि जजिया जो है वो हिंदुओं से लिया जा रहा है लेकिन मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया। तो बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन था, जो भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया था। इससे भी रिलेटेड एक डायग्राम है, वो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अलाउद्दीन हसन पहला मुसलमान शासक जिसने जजिया समाप्त कर दिया। अब यहाँ पे एक क्रम है, आप देखिए, ऐसे तो आप जानते हैं कि अकबर ने जजिया को समाप्त किया लेकिन अकबर से पहले किसने समाप्त किया, वो क्रम क्या है, उसे इस चार्ट में देखिए। बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन जो सबसे पहले 1347 में समाप्त करता है जजिया,
दूसरा जैनुल अबादीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा गया, उसने समाप्त किया जजिया कर। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं अकबर। अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त किया, 1575 में पुनः लगाया एंड 1579-80 में पुनः समाप्त कर दिया। तो ये जो हटाने और लगाने का क्रम है अकबर का, वो जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अकबर के बाद कौन सा शासक था? तो देखिए, जहांदार शाह ने 1712 में वजीर जुल्फिकार खां एवं असद खां के कहने पर विधवत समाप्त किया। ठीक है, तो ये जो क्रम है वो ध्यान रखिएगा कि जजिया समाप्त करना, लगाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, समाप्त करना भी एक खास बात है, तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी है ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस मुगल शासक द्वारा जजिया सदा के लिए समाप्त कर दिया गया? अब फाइनली वो जजिया ख़त्म होगी जो हिंदुओं पर इतने दिनों से आरोपित थी। तो कौन वो खास शासक है जिसने ये समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल सम्राट 1720 ईस्वी में सवाई मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर, अनुरोध करने पर सदा के लिए जजिया समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे। आप यहाँ पे इससे रिलेटेड भी एक डायग्राम देख सकते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला, समाई राजा जय सिंह के अनुरोध पर जजिया जो है वो सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।